पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अनगिनत लोगों पर अत्याचार करने वाले पिलाजी पाटिल जैसे गुनेगार को अपने किए की सजा भुगतने के लिए एक दिन की भी मोहलत क्यों दी जाए? उसे भी पता चले कि दर्द क्या होता है, तकलीफ और मजबूरी क्या होती है। सभी तक यह संदेश पहुंचना बहुत जरूरी है कि इंसाफ किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सरकार, यह आप क्या कह? जब बात किसी नारी के सम्मान की होती है तब किसी भी तरह की दया, क्षमा या रहम की गुंजाइश नहीं होती। नारी की इज्जत सर्वोपरि है। हर पद, हर ओहदे, रुतबे और रिश्ते से कहीं ज्यादा ऊपर और महत्वपूर्ण। जहां स्त्रियां सुरक्षित है वहीं राम राज्य है। और केवल मालवा में ही नहीं, पूरे संसार में नारी तभी सुरक्षित होगी जब वो एक भी बुरी नजर का शिकार ना बने। किसी एक की भी घिनौनी सोच उसे अपनी अय्याशी का साधन न समझे। हम जानते हैं यहाँ बहुत से लोग यही चाहते हैं कि पिलाजी पाटिल पर सहानुभूति बरती जाए, उन्हें एक मौका दिया जाए तो अपनी भूल को सुधारने का। लेकिन उन्हें मौका देने का मतलब पीड़ित के दर्द को अनदेखा करना, जो हम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक किसी पिलाजी पाटिल को सजा नहीं होगी, जब तक उसके हाथ पांव को लायक ना छोड़ा जाएगा, आने वाले समय में सौहार पिलाजी पाटिल से हिमाकत करने से बाज नहीं आएंगे। कड़ी सजा ही नए अपराध और अपराधियों को रोक सकती है। हर राजा, हर शासक यही चाहता है कि अपनी प्रजा निडर होकर जिए, अपनी मर्जी से जिए। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि लोग स्वच्छंद हो जाएं, आजाद हो जाएं कुछ भी करने के लिए। बुरी सोच और अपराधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम अहिल्या के फैसले का स्वागत करते हुए उसे कायम रखते हैं। लेकिन एक बात का दुख हमेशा रहेगा हमें, पिलाजी पाटिल के खिलाफ शिकायतें पहले भी सुनने में आई थी। अगर तब हमने पीड़ित के सामने आकर अपनी परेशानी बताने का इंतजार ना किया होता और उसी समय पिलाजी पाटिल के खिलाफ ठोस कदम उठाया होता, तो मालवा की इस बेटी को वो सब सहना नहीं पड़ता जो किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही दुखदायी और अपमानजनक है। मंजुला, हम आपसे माफी चाहते हैं। उठो बेटा।
अहिल्या, हमें तुम पर बहुत गर्व है। इतने विरोध और दबाव के बावजूद तुमने जिस तरह इस मामले को संभाला सराहनीय है। तुम खुद गई मंजुला के घर इस बात के लिए राजी करने कि अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। शाबाश अहिल्या। और फिर तुमने खुद पिलाजी पाटिल को ढूंढ निकाला, उस पर लगे इल्जाम को साबित किया और सजा सुनाई। बहुत खूब। हमारी छोटी सी अहिल्या अब बड़ी हो गई, सजा सुनाने लगी। एक बात के लिए तो हमें निजाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्हीं के कारण तो हम तुम्हारे गांव चौंडी पहुंचे। वहां तुम्हें पहली बार देखा, तुमसे मिले, तुमसे बातचीत की, तुम्हारे घर मेहमान बनकर रहे और फिर तय किया कि हमारे बेटे के लिए तुमसे अच्छी जीवन संगिनी मिल ही नहीं सकती। अब आप आ गए हैं ना बाबा साहब, संभालिए अपनी अमानत को और मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। मालवा को आपकी जरूरत है। शायद अब नहीं। मालवा समर्थ हाथों में है अहिल्या, और आज के तुम्हारे निर्णय ने हमारे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। हमारी अमानत सुरक्षित है, हमें कोई जल्दी नहीं। नहीं बाबा साहब, ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। आपके जितना साहस नहीं है मुझ में। छोटी सुन भाई, आप रो रही है? हम भी जानना चाहते हैं अहिल्या, ऐसा क्या है जो तुम्हें कठिन लग रहा है, जिसके सामने तुम्हारा साहस जवाब दे रहा है? बाबा साहब, जब आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी तो मुझे ऐसे लगा आपकी गैर मौजूदगी में शासन को सुचारू रूप में संभालना ही मेरा काम होगा। ठीक है, कर लूंगी, देखरेख ही तो करनी है, उसमें क्या मुश्किल। लेकिन बाबा साहब, बाद में मुझे पता चला कि आगे बढ़ता हुआ मेरा हर कदम मुझे अपने रिश्तों से दूर कर रहा है। किसी एक के साथ न्याय करने जाती हूँ तो मेरा ही कोई अपना मुझे आरोपी के पिंजरे में डाल रहा है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।